हाँ बोलिए भैया जी क्या तकलीफ है एक महीना कमाया हुआ पैसा खा गए अब हम लोग के पास में पैसा नहीं है न रहने का ठीक है न खाने का ठीक है हम लोग को शीघ्र बिहार भेजा जाए बस हो या ट्रेन हो अब हम लोग नहीं रहेंगे यहाँ राजस्थान में नहीं रहेंगे अच्छा आप लोग काफी तकलीफ में है जी सारा चीज़ महंगा हो गया हाँ। हर चीज महंगा हो गया अस्सी रुपया हाँ। किलो चावल है सत्तर रुपया किलो आटा मांगता है हाँ। दो सौ किलो सरसों तेल तो पैसे नहीं है पैसे क्यो? नहीं है मॉल में रिचार्ज नहीं है बात नहीं हो पाता दिक्कत ऐसी जी रहे रहने नहीं चाहते है हम लोग सरकार क्या देख रहे हैं हम, हम लोग पहुँचाए लो आप लोगों ने लॉकडाउन का कितना समर्थन किए बहुत किया एक महीने ऐसी हम लोग अंदर है फिर भी देखिए क्या करें मजबूरी है पैसा नहीं है बढ़िया कर घूमते हैं अच्छा सरकार का क्या आदेश है लॉकडाउन को बार बार बढ़ा रहा है आप लोगों का क्या इसमें राय है क्या करेंगे लॉकडाउन बढ़ा रहा है तो हम लोग यहाँ कैसे जी पाएंगे पैसे नहीं है हम लोग आदमी तो यहाँ भूखा मर जाएगा क्या एक दिन का लॉकडाउन अब हो गया है एक महीने का लॉकडाउन हम लोग यहाँ भूखे मरे पड़े बने न खाने पीने का कुछ है न कोई उपाय है यहाँ राशन पानी सब महंगा हो गया है क्या आपका बिहार का सरकार आपके विषय में कुछ नहीं सोच रहा है कुछ नहीं सोच रहा है उन्होंने तो लॉकडाउन बराबर बढ़ाते ही जा रहे हैं उन्होंने पहले बोला एक दिन ही लॉकडाउन है एक दिन का हम लोग पालन किए फिर पंद्रह दिन का बढ़ाया फिर पंद्रह दिन का पालन किए फिर इतन उन्होंने एक महीने का बढ़ा दिया एक महीने पालन किए फिर बढ़ाने जा रहा है फिर तीन माह अप्रैल कर दिए अच्छा आप लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं किए क्या कोई व्यवस्था बात नहीं किए हैं इसलिए हम लोग बिहार जाने के लिए अपना सभी आदमी वीडियो बना रहे हैं अच्छा ठीक है आप हम गुजारिश करेंगे कि आप लोगों का समर्थन करे बिहार सरकार और आप लोगों के विषय में सोचे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें किशनगंज ये मार्बल एरिया किशनगंज के मज़दूर लोग हैं जो कि काफ़ी परेशान हो चुके हैं लॉकडाउन को बार बार बढ़ाया जा रहा है इन लोगों का कहना यही है कि सारा चीज़ महंगाई हो हो चुका है और इन लोगों के पास जितना रुपया था वो खर्च किया एक महीने तक अब इन लोगों को अपना घर घर के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं सब तैयारी में है घर के लिए इसलिए अपने सरकार से ये निवेदन है कि वो इन लोगों का गुजारिश को सुने और बस या ट्रेन जैसे भी हो कोई सुविधा दे करके इन लोगों को अपना राज्य तक पहुंचाए ठीक है मजदूर भाई आ, थेका, थेका, थेका।